आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। उपचुनाव के चलते बंद नहीं हुआ तो हिनौता कला के ग्रामीणों ने दिखाई जागरूकता, खुद घोषित किया वीकेंड लॉकडाउन। हटा मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हिनौता के व्यापारियों सहित समस्त ग्रामीणों के सहयोग से स्वेच्छा अनुसार पहले 2 दिवस का लॉकडाउन सफल होने पर व्यापारी संघ की बैठक में आगामी 5 दिवस तक और स्वेच्छा अनुसार बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया। कोरोना से मची कोहराम के बीच सिर्फ दमोह को छोड़कर समूचे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बाद जहां दमोह में प्रशासन उपचुनाव में व्यस्त है, तो वहीं इसी बीच हटा ब्लॉक के एक गांव से सुखद संदेश मिल रहा है। दमोह में उपचुनाव को लेकर जिला कलेक्टर तरुण राठी ने लॉकडाउन नहीं लगाया, जबकि हटा ब्लॉक के हिनौता कला गांव में ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाते हुए खुद और दूसरों की सुरक्षा के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाकर संजीदगी दिखाई है और प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। दरअसल हटा अनुविभाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते हटा के हिनौता कला में ग्रामीणों ने खुद से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस बार हटा ब्लॉक के आसपास के ग्रामों में कोरोना तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना लगातार क्षेत्र में पैर पसार रहा है, जिसके चलते हटा के हिनौता कला में ग्रामीणों ने स्वेच्छा से शनिवार और रविवार 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से सफल होने और ग्रामीणों का सहयोग मिलने पर व्यापारी संघ द्वारा बैठक कर आगामी 5 दिवस के लिए लॉकडाउन बढ़ने का निर्णय लिया गया। और जो ये बंद है, इसको लॉकडाउन को 2 दिन जो रखा गया था उसके अवधि पूर्ण होने के बाद में 5 दिन के लिए और बढ़ाया गया है, क्योंकि जो संक्रमण के जो नए केस हैं वो मिलते जा रहे हैं और कैजुअलिटी भी बढ़ रही है। इसीलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए ग्रामवासी एवं व्यापारी संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि अभी 5 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए स्वैच्छिक, क्योंकि अभी प्रशासन के ऊपर हम जिम्मेवारी अपनी नहीं थोप सकते हैं। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सुरक्षित, हमारा गांव सुरक्षित, तो सभी सुरक्षित रहेंगे। और सभी से अपील है।